कि आफताब जब ऊपर आता है तो ही इसकी रोशनी फैलती है। कहाँ थे अभी तक हमें मालूम नहीं, लेकिन जी हाँ अब आपके सामने हैं, आपके रूबरू हैं, आप गजलों का लुत्फ उठाइए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी साल डेढ़ साल पहले आपका बाईपास हुआ है, लेकिन आप इनका हालात देखिए, इनकी गायकी देखिए, क्योंकि आप कह नहीं सकते कोई हार्ट का मरीज भी इस तरह से गा सकता है। मैं तालियां चाहूँगा इनके लिए, और डरते नहीं है। '94 मैं अमेरिका से वापस आया था, मैंने तब ये लिखी थी तो
सच तो छिपाओ सपनों के समंदर में, कहीं सच तो छिपाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सपनों के समंदर में कहीं सच तो छुपा होगा, यहाँ बात हो रही थी उन हालातों। इंसान बिल्कुल उन हालातों से बेजार हो जाता है, टूट जाता है। सिर्फ अगर रहती है तो एक उम्मीद, और उम्मीद पे जिंदगी और दुनिया कायम है, और उसी उम्मीद को लेकर इंसान आगे बढ़ता है, जद्दोजहद करता है। और फिर जैसे वे हालात हों उनसे गुजरते हुए अगर वो उम्मीद भी साथ छोड़ दें तो बताएं कि हम और आप कहाँ जाएं। उसी उम्मीद को लेके जब आगे चलते हैं अपना मकाम पाते हैं, और उसी मकाम का अंजाम जो होता है वो आज आप देख रहे हैं योगेश माता।